हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने सेकंड सेमेस्टर का मैथ्स स्टार्ट किया था और इसकी हम लगभग 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो आपकी 5th यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 5th यूनिट में हमें पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। इनके योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो आप सभी को पता होगा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक पूर्णांक को हम जेड से और आई से डिनोट करते हैं, ठीक है? पूर्णांक को हम जेड से और आई से डिनोट करते हैं और इनका मैंने सेट आपको बताया था। 0 सहित सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और सारे नेगेटिव नंबर्स, कहाँ तक? टिल माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है? इनका जो सेट होता है वो आपका क्या होता है? पूर्णांक होते हैं ये, ठीक है? मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं, वो सारी, अगर प्राकृतिक संख्याओं का निगेटिव ले लें वो सारी, और 0 सहित जो सेट बन के आता है वो हमारा क्या होता है? पूर्णांक होते हैं, जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है? अगर हम संख्या रेखा पर इंटीजर्स की निरूपण की बात करें तो संख्या रेखा पर, जैसे मैंने मान लीजिए ये संख्या रेखा है कोई, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिया? 0। इधर हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलेंगे। इधर हम -1, -2, -3, -4 इस तरीके से संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, ठीक है? तो आपको संख्या रेखा पर कैसे पूर्णांकों को निरूपित करते हैं ये बात भी समझ में आ रही होगी, और पूर्णांक क्या हो रहे हैं ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? इसके बाद आता है आपका योज्य प्रतिलोम, ठीक है? अगर पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम की बात करें, पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम, ठीक है? योज्य प्रतिलोम का मतलब है जैसे अगर ए कोई हमारा पूर्णांक है तो इसमें हम क्या ऐड करें जो हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर हम माइनस ए ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या है? माइनस ए है, ठीक है? वैसे ही अगर हम 3 कोई पूर्णांक है हमारा, इसका योज्य प्रतिलोम की बात करें तो कितना होगा? -3, ठीक है? अगर हम -5 के योज्य प्रतिलोम की बात करें तो कितना होगा? 5, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहा होगा योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, साइन अपोजिट करना होता है हमें योज्य प्रतिलोम में, ठीक है? या ऐसे दो नंबर्स जिनका ऐड करने के बाद सम कितना आए? 0 आए, वो हमारा क्या होता है? योज्य प्रतिलोम होता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है गुणात्मक तत्समक, पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक, ठीक है? तो पूर्णांकों का गुणात्मक तत्समक क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि यदि हमारे पास एक कोई पूर्णांक है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें जो यही आ जाए, नंबर पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो जैसे ए कोई पूर्णांक था तो 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें इसमें तो हमारा पास क्या आएगा? 1 आएगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर 1 में हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यही ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 एक ऐसी संख्या है पूर्णांकों के लिए जो पूर्णांकों का क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है। मतलब 1 में अगर हम किसी भी पूर्णांक की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूर्णांक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? चलिए, उसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या, ठीक है? इसके बाद आपको क्या क्या आता है? परिमेय संख्या। तो हम परिमेय संख्या के बारे में देख लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है? परिमेय संख्या होती क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे सभी संख्याएं जो P अपॉन Q के
रूप में लिखी जा सकती हैं तथा जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हों, ठीक है, तब P अपॉन Q परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी जो P अपॉन Q में लिखी हुई होती हैं, और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। एक बात और Q हमारा डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमेशा। मतलब क्या है, वे सभी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब इंटीजर होने चाहिए, और Q हमेशा डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब Q जीरो नहीं होना भी चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक है। यदि Q जीरो हो जाएगा हमारा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए, जैसे अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो हमारी परिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे जीरो के अपोन में हम वन लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, पी अपोन क्यू के रूप में हो गया, और जहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब जीरो भी हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है, और ये वन भी हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। कोई भी नेचुरल नंबर क्या होता है, पूर्ण परिमेय संख्या होता है। जैसे सिक्स लिया तो सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिक्स अपोन वन लिख सकते हैं। तो ये पी अपोन क्यू के रूप में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी पूर्णांक है, वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम परिमेय संख्याओं के योज्य प्रतिलोम की बात करें, योज्य प्रतिलोम, जैसे हमने पूर्णांकों का प्रतिलोम लिया था, वैसे ही हमें परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम लेना होता है। जैसे हमने मान लिया पी अपॉन क्यू हमारे पास कोई परिमेय संख्या है, तो माइनस के पी अपॉन क्यू क्या होगी, इसकी योज्य प्रतिलोम होगी, ठीक है। अगर दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जैसे तीन बटे चार है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के तीन बटे चार, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आएगा, जीरो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम पूर्णांकों के लिए योज्य प्रतिलोम लेते थे, वैसे ही परिमेय संख्याओं के लिए हम योज्य प्रतिलोम लेते हैं, ठीक है। चलिए, गुणात्मक तत्समक की बात करें तो गुणात्मक तत्समक भी परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, वन होता है, ठीक है। जैसे पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक वन होता है, वैसे ही पूर्णांकों के लिए परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, वन होता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की, किसकी, गुणात्मक प्रतिलोम की, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे कि तीन बटे चार हमारे पास कोई संख्या है, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास वन आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, फोर अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल होगा, फोर से फोर, तो कितना आएगा, वन आएगा। इसका मतलब क्या, थ्री बटे चार का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है, चार बटे तीन। अगर हम माइनस के पाँच बटे छः का गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो कितना आएगा, माइनस के छः बटे पाँच, ठीक है। तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम भी समझ में आ रहा होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट उल्टा, मतलब ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, वन आ जाए, वो आपस में क्या होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। आपकी थ्योरी में इतना ही था, ठीक है, तो थ्योरी में इतना पढ़ने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आज के पेट क्लास का पहला क्वेश्चन, है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। प्रश्न दिए हैं, बिल्कुल सिंपल क्लास के, नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। इसमें जोड़ घटा करना है, कुल हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जोड़ घटा करना है, सिंपल सिंपल चैप्टर हैं। तो आपकी उसमें बीटीसी में, तो डीएलएड में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो देखो, माइनस के कितना है, 250, और हमें ऐड कितना करना है, 150, ठीक है। इस टाइप के जब भी सम आपके सामने आएंगे तो हमें देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे पहली बात 250, ठीक है, 150 तो कम है। फिर उनके साइन देख लें, साइन में
250 का क्या है, बड़े नंबर का साइन क्या है, बड़े नंबर का ही साइन देखना हमेशा, छोटे नंबर का साइन देखो या मत देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन देखना। बड़े नंबर का साइन क्या है हमारा, माइनस। अगर हम 250 में से, और साइन क्या है, अपोजिट, जब भी साइन अपोजिट होंगे तो क्या आएगा, हम माइनस करेंगे, ठीक है, और साइन क्या आएगा, बड़े नंबर का आएगा, और जब साइन सेम होंगे तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, और जो साइन होंगे वही साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तब अगर हम यदि माइनस के 250 में से 150 प्लस के 150 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन तो माइनस का आएगा, क्योंकि हमें पता है बड़ा नंबर कौन सा है, 250 है, और इसका साइन क्या है, माइनस है, और 250 में से 150 को हम घटाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन में हमें हमेशा क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, -100 -100। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके दूसरे पार्ट को देख लीजिए, आप कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चनों में ब्रैकेट खोलने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या 37 है, ये प्लस है, ये माइनस है। जब भी इस तरीके से प्लस माइनस दिखाई दे, अपोजिट साइन दिखाई दे, तो प्लस जो माइनस जो है वो प्लस को क्या कर देता, माइनस कर देता। तो यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 2 आएगा। वैसे ही इस प्लस को ये वाला माइनस क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस के 65 आएगा, और ये माइनस इस वाले माइनस प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा, 18 आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। प्लस वालों को हमें एक जगह ऐड करते हैं और माइनस वालों को एक साथ ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 37 केवल प्लस का है, बाकी सारे के सारे नंबर हमारे क्या है, माइनस के हैं। इसका मतलब क्या है, हम 37 को अलग रखेंगे और इन सबको एक साथ ऐड करेंगे। देखो माइनस के 18 में माइनस के 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -20। मैंने बताया था जब साइन सेम होंगे तो वही साइन आएगा, लेकिन ऐड हो जाते हैं सेम साइन में। तो माइनस के 18 के साथ में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 20 आएगा, और माइनस के 20 को माइनस के 65 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 85। कितना आया, माइनस के 85। अब जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा वैसे ही बन गया, साइन देखना बड़ा, बड़े नंबर कौन सा है, 85 है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब आंसर में भी हमारा साइन नेगेटिव आएगा सबसे पहली बार। अब हम क्या करेंगे, देखो साइन अपोजिट है, पहले का 37 का प्लस है और 85 का क्या है, माइनस है, तो इसको मतलब क्या, हम 85 में से 37 को माइनस करेंगे, तो 85 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 15 में से 8, यहाँ 7 बचेगा और 7 में से 4, ठीक है, 48 आपका कितना आ गया, 48, तो माइनस के 48 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोशिश रहेगी आपके, मैंने सुना आपके एग्ज़ाम 6 नवंबर से हैं, तो कोशिश रहेगी 5 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दी जाए और एक दो प्रैक्टिस सेट भी करा दिए जाएँ, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस सेट भी कराने की कोशिश करूँगा 5 नवंबर तक। आप टेंशन फ्री होकर चैनल को फॉलो करते रहें। फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उनको भी देखते रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तथा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस इतनी ही चीज़ें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और रिविज़न करना, ठीक है, अच्छे से कंटेस्ट करनी है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बोला, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है, माइनस के 20 है, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस के 20 आएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या करेगा, माइनस करेगा 13। तो दोनों साइन माइनस के हैं, सेम साइन है, सेम साइन में मैंने बोला था ऐड होता है, तो साइन क्या होता है, जो साइन होता है वही आता है, तो माइनस का साइन है, माइनस का आएगा, और 20 और 13 कितना आएगा, 33। तो इसका आंसर कितना होगा, 33। नर्सरी क्लास के क्वेश्चन है बच्चे वाले, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दूसरा वाला। दूसरे में क्या है, माइनस के 7 है एज इट इज लिखेंगे, माइनस 8 है एज इट इज लिखेंगे, 25 प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के 25 आएगा। सभी जगह क्या है, साइन माइनस का है, तो इसका मतलब माइनस का साइन आएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 8 15, और 15 में 25 को ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा, 40, ठीक है, कितना आएगा, 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, सेकेंडों के सवाल हैं ये, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, फिर हमने हल करना, हल का इसमें हमसे मल्टीप्लाई करवा रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए हम देखते हैं पहले के नंबर का साइन क्या है, प्लस, इसका क्या है, माइनस। तो हमें क्या करना, आपको दो चीज़, एक चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, देखो तो माइनस गुणा अगर माइनस होगा तो क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। अगर प्लस गुणा माइनस होगा तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस गुणा प्लस होगा तो आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर प्लस गुणा प्लस होगा तब तो आपका प्लस ही आएगा। सिर्फ दो कंडीशन में प्लस आएगा, एक तो माइनस माइनस वाले में, जब दो या दो से अधिक सारे के सारे नंबर माइनस होंगे, ठीक है, दो नंबर माइनस में होंगे उनकी मल्टीप्लाई करनी होगी तो प्लस आएगा,
एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस आएगा, एक माइनस एक प्लस होगा तो माइनस आएगा, और दोनों प्लस होंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, कौन सी वाली कंडीशन बननी है सेकंड वाली, तो साइन क्या आएगा माइनस, और हम 15 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। अगर 18 फाइव जो हम लें तो 18 फाइव जहाँ कितना होता है 90, 18 पंजे 90 का जीरो, हाँ असल कितना आया हमारा 9 कैरी 9। ठीक है, 18 का ना 18 और 9 27, तो कितना आ गया 270। ठीक है, तो माइनस के 270 इसका आंसर होगा। वैसे ही ये माइनस के कितना है 20 और माइनस के 10, मैंने बोला था माइनस माइनस कहाँ है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो पहले वाला रूल लगेगा इसमें, ये वाला माइनस माइनस प्लस, तो साइन कितना आएगा प्लस का आएगा। ठीक, 10 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना आएगा 200, तो ये 200 हमारा प्लस का आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, और अगर आपको किसी दिन वीडियो नहीं भी मिल पाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 तारीख से पहले, 5 नवंबर से पहले पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है, जितने भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उनको बार बार प्रैक्टिस करना है और रिविज़न करना है, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4th देख लीजिए, आपने देख लिया होगा। निम्नलिखित प्रश्नों का मान बताइए, हमें मान बताना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना, भाग देना। जैसे क्या है, माइनस के 30 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग का मतलब होता है डिवाइड करना अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, वैसे 10 से 3 बार जाएगा, सीधी सीधी बार है 30, और साइन क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा माइनस के 3 इसका आंसर। ठीक है, वैसे ही देखो माइनस के 50 को हम डिवाइड करेंगे माइनस के 9 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, पॉइंटों में डिवाइड होगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, ये इस तरीके से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 5.56। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, इसी का थर्ड क्या है, जीरो को डिवाइड करना है माइनस के 12 से। तो ये आंक देख के हम जीरो लगाएंगे इसका आंसर। ठीक है, किसी भी नंबर से जीरो को अगर डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है। ठीक है, वो चाहे माइनस को, प्लस को, परिमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, कुछ भी हो, अगर हम जीरो को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, निम्नलिखित प्रश्नों के मान बताइए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के मान बताने हैं हमें। पहला है, अब ये परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को हमें क्या करना है, ऐड करना। जब भी आपको डिनोमिनेटर मतलब कि हर में दोनों सेम दिखाई दें तो एलसीएम वही नंबर आ जाता है। जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे, ती दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं का, तो एलसीएम सेम वही नंबर आ जाता है जो होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, 7। माइनस के 13 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7 से। हम इस 7 से इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाएगा प्लस 6, फिर इस 7 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस के 13 प्लस के 6 अपॉन 7, तो कितना आएगा, देखो माइनस के 7 अपॉन कितना आएगा, 7। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल होगा, माइनस के कितना आएगा हमारा आंसर, 1। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि माइनस के 13 था और प्लस के 6 था। माइनस के 13 में से प्लस के 6 को हम हटाएंगे क्योंकि साइन अपोजिट है तो घटेंगे। ठीक है, माइनस होंगे तो कितना आएगा, माइनस के 7, तो 7 अपॉन 7 1 आएगा माइनस के। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमीटर सेम नहीं है, मतलब हर सेम नहीं है, हर सेम नहीं है, तो हर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, वो है 63, 7 9 63। ठीक है, तो 63 इनका एलसीएम आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले नंबर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा। माइनस के 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से एलसीएम डिवाइड करेगा तो 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 9 3 27 और माइनस के 35 अपॉन 63 कितना जाएगा, देखो 35 मतलब माइनस के 8 अपॉन 63 इसका आंसर कितना आएगा, माइनस के 8 अपॉन 63। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और किस तरीके से आपको परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना है ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड की देखो, ये क्या है, मिश्रित परिमेय संख्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित या मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, विषम परिमेय संख्या में बदलने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, इस टू की मल्टीप्लाई इस थ्री के साथ में करेंगे, टू थ्री जो सिक्स और एक सेवन, सेवन अपॉन कितना आएगा टू, कितना आएगा सेवन अपॉन टू, और ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस टू अपॉन थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, सिक्स आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लाई या इन दोनों से डिवाइड होने वाला छोटे छोटे संख्या क्या है, सिक्स है, ठीक है। तो छः एलसीएम आइए, सेवन की मल्टीप्लाई किससे करें, थ्री से, क्योंकि ये टू से एलसीएम कितनी बार डिवाइड होगा, थ्री बार, और टू की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टू से, क्योंकि थ्री से ये एलसीएम कितनी डिवाइड बार होगा, दो बार। तो कितना आ जाएगा हमारा, सात या इक्कीस प्लस दो दूनी चार बटे छः, तो कितना आएगा पच्चीस बटे छः इसका आंसर, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, परिमेय संख्या 1/6 और 1/3 के मध्य चार परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बने, जितनी भी परिमेय संख्याएं आपसे पूछता है, आपको क्या करना है, एक ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे चार परिमेय संख्याएं पूछी हैं इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याओं के, तो आपको क्या करेंगे, पाँच नंबर से, पाँच से हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में न्यूमरेटर और डिनोमेटर हर और अंश में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊँगा, ठीक है। और कब करना है, जब तक दोनों संख्याओं का हर सेम ना हो जाए तब तक हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 1/6 है और 1/3 है, तो एक में 6 है एक में 3 है, तो यहाँ पे हर सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, पहली बात तो दोनों संख्याओं का हर सेम करेंगे। जब हमारा हर सेम हो जाएगा तब हम चार परिमेय संख्याएं पूछी हैं हमसे, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़कर चार में पाँच, पाँच से ऊपर नीचे या हर और अंश में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, देखो एक संख्या हमारे पास 1/6 और दूसरी क्या 1/3, अगर इसको हम क्या करें सिक्स बनाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हर और अंश में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर कितना होगा टू और नीचे कितना होगा सिक्स। अब दोनों के संख्याओं के हर सेम है, अगर ये ऑलरेडी गिवन होते तो डायरेक्ट हम पाँच से हर और अंश में मल्टीप्लाई करते इसके भी और चार परिमेय संख्याएं बीच में निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं था तो इसीलिए हमने क्या किया, एलसीएम लेके इनके एलसीएम मतलब कितना आएगा, थ्री और सिक्स का सिक्स आएगा, तो इसको हमने डायरेक्ट इसको सिक्स बना लिया, थ्री को सिक्स बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अब हर सेम हो गए, मतलब हर सेम हो गए तो अब हम आसानी से इनके बीच में चार परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। चार परिमेय संख्याएं हमसे पूछी हैं तो हम पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे इसके बाद, वन अपॉन सिक्स है तो इसमें पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे हर में और अंश में भी। इसके बाद दूसरी क्या थी, दो बटे छः, इसमें भी पाँच से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे भी, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, पाँच बटे तीस, और यहाँ पे कितना आएगा, और दस बटे तीस, ठीक है। तो इसका मतलब चार परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में जो हमारी थी, एक बटे छः और एक बटे तीन के बीच में चार परिमेय संख्याएं जो होंगी वो क्यों कौन सी होंगी, छः बटे तीस, सात बटे तीस, आठ बटे तीस और नौ बटे तीस, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी आप न्यूमरेटर और डिनोमेटर में जिस भी संख्या में डिवाइड करके इसको और सिंपल कर सकते हैं तो और सिंपल भी कर सकते हैं आप, या यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से चार पूछे, पाँच पूछे, दस पूछे, जितने भी पूछेगा उसमें एक ऐड करेंगे, उस अगर हमारा हर सेम है ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक अधिक करके जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, परिमेय संख्याएँ निकाल लेंगे, ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है माइनस वन और वन के बीच परिमेय संख्या है, देखो माइनस टू तो नहीं होगी, माइनस टू तो माइनस वन के बाद आती है क्योंकि छोटी होती है ये, ठीक बीच में, ठीक है। और ठीक बीच में देखो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, अगर संख्या रेखा पर देखें पहले जीरो होता, वन होता और माइनस वन होता, ठीक है, तो ठीक बीच में क्या आती है, जीरो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि माइनस वन भी परिमेय संख्या है, वन भी परिमेय संख्या और जीरो भी परिमेय संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है संख्या
19 बटे 29 का, माइनस 19 बटे 29 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये बताना। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अगर माइनस के 19 बटे 29 है तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें जो बना जाए, तो अगर हम माइनस के 29 बटे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 29 बटे 19, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं आपके एग्जाम में भी, ठीक है। एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, मैक्सिमम दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चलिए, संख्या 30 बटे 278 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसी संख्या जिसे इसी में ऐड करें और कितना जाए, 0 हो जाए, तो वो कितना होगा, 30 बटे 278 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, माइनस के 30 बटे 278, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। योज्य प्रतिलोम में हमें क्या करना होता है, साइन जस्ट अपोजिट करना होता और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपके सिलेबस को मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कुछ कारणों की वजह से मैं आपको क्लासेस बीच में नहीं दे पाया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।